अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पांच कारणों से बेहद अहम रहेगा यूपी का उपचुनाव। किसी को बढ़त तो किसी को होगा घाटा। आवाम भी बदलाव का बना चुकी है पूरा मन। हाथरस का मामला भी उपचुनाव में रहेगा अहम। विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ करेंगे इस्तेमाल। उपचुनाव से तय होगी सियासत की दिशा और दशा। उम्मीद तो थी कि बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चुनाव आयोग ने 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है और 1 विधानसभा सीट का चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। जिस विधानसभा सीट का चुनाव टाला गया है वो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट थी, जिस पर उन्होंने 2017 में जीत दर्ज की थी। रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट पर कानूनी दांव पेंचों के चलते उपचुनाव टाल दिया गया है। फिलहाल 7 सीटों पर उपचुनाव होगा। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि उपचुनाव का असर क्या देखने को मिलेगा और ये किस मायने में सबसे ज्यादा अहम है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो 5 अहम मुद्दे जिसकी वजह से ये उपचुनाव बेहद अहम रहेगा और गेम चेंजर साबित होगा। 2022 के लिए इस उपचुनाव को बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में देर न करते हुए उन 5 पहलुओं को जानते हैं जिन पर इस उपचुनाव को लड़ा जाएगा। सभी विपक्षी पार्टियों की भागीदारी। आमतौर पर यूपी में होने वाले उपचुनाव 2 ही पार्टियों के बीच हुआ करते थे। इस बार भी ऐसा ही होता। इसमें सीधी टक्कर सत्ताधारी बीजेपी और सपा के बीच होती, लेकिन बीएसपी ने इसमें कूदकर इसे खासा दिलचस्प बना दिया है। बीएसपी उपचुनाव में नहीं उतरती थी, लेकिन इस बार वो 7 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस की मजबूत दावेदारी। पिछले 25-30 सालों के चुनावों में कांग्रेस किसी भी चुनाव को लेकर गंभीर नहीं दिखी, लेकिन इस बार हालात बदले बदले से हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों को कितने वोट मिलेंगे ये अलग बात है, लेकिन पहली बार हालात बदले बदले हैं और चुनाव से पहले कम से कम इसकी चर्चा तो है कि कांग्रेस चुनाव में उतरने वाली है। संगठन के नए नए पदाधिकारियों ने, खासकर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने, सड़क पर संघर्ष करके चर्चा तो हासिल कर ही ली, साथ ही कांग्रेस को भी सुर्खियों में ला दिया, जिससे विपक्षी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। मुद्दों की भरमार। इस बार के उपचुनाव में जनता की भागीदारी तो दिखेगी ही, साथ ही मुद्दों की भरमार भी है, जैसा अन्य चुनावों में नहीं दिखता, और मुद्दों की चर्चा जोरों पर है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था, ब्राह्मण राजनीति, दलित उत्पीड़न, कोरोना मैनेजमेंट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को विपक्षी पार्टियां तेजी से हवा दे रही हैं और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इनका दबदबा दिखेगा। सीएम योगी की व्यक्तिगत परीक्षा। 2017 में सीएम बनने के बाद योगी राज में यूपी में ये तीसरा उपचुनाव है। जानकार मानते हैं कि होने जा रहा उपचुनाव ही वास्तव में योगी आदित्यनाथ की असली व्यक्तिगत परीक्षा है। इससे पहले के उपचुनावों में पीएम का चेहरा सामने था, लेकिन पहली बार योगी सरकार के कामकाज और उनके चेहरे पर चुनाव होना जा रहा है। इस चुनाव की हार जीत योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य को तय करेगी और पता चलेगा कि 2022 में वो सीएम का चेहरा होंगे या नहीं। अगर उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो फिर 2022 में बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल भी सकती है या फिर बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा जा सकता है। 2022 के मुख्य चुनाव का सेमीफाइनल। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की हार जीत तय करेगी कि 2022 में कौन सी पार्टी सबसे आगे होगी और कौन सी पार्टी पीछे होगी। उपचुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। बीजेपी भी सत्ता को बरकरार रखने के लिए खून पसीना बहा रही है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस भी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। ऐसे में सपा चाहती है कि उपचुनाव में अगर वो बीजेपी को ज्यादा नुकसान देती है तो 2022 में उसकी राह आसान हो जाएगी, और ठीक सपा के जैसा ही बीजेपी का भी सोचना है। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी बढ़त हासिल करती है और उपचुनाव में किसे जीत मिलती है, और उसके बाद पता चलेगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में जिसकी भी बादशाहत कायम होगी वही 2022 की रेस में सबसे आगे होगा और आवाम के भरोसे को जीत पाएगा। अब हर किसी की नज़र उपचुनाव के नतीजों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।